ओके तो लास्ट जो रेंडर आया हमारा ये आया है, और सन इसमें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तो सन के लिए हम काम करते हैं, सन को हम ऑफ कर देते हैं। ये हमारा जो सन है इसे हमने ऑफ कर दिया है, ठीक है। और अब ये वॉल मुझे एकदम एम्प्टी, एकदम खाली सी लग रही है, जहां मुझे शायद कुछ ना कुछ प्लेस करना चाहिए। गूगल पे हम सर्च करते हैं, मुझे एक इमेज ठीक लग रही है, ऑफिस वॉल कोटेशंस के नाम से हमने सर्च की है, इसे हम डाउनलोड कर चुके हैं। इसे हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन, ऑब्वियसली ये पॉली हमने ले ली पूरी, और डिटैच हम कर देते हैं इसे, एडिट ज्योमेट्री डिटैच, मटेरियल स्टैंडर्ड वीरे, ठीक है। बेसिकली आपको काम करते करते ये चीजें देखनी पड़ेगी कि कहाँ आप क्या और नया लगा सकते हैं, किस चीज की आपको कहाँ कमी लग रही है, ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना ही होगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही बार में आप सारी चीज क्लियर कर लें, ठीक है, क्योंकि अभी आपके सामने एक बार भी इसका फाइनल आउटपुट नहीं आया, और ना ही मेरे सामने आया, ठीक है। ये मेरे लिए भी एकदम उतना ही नया है जितना आप लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम मैं भी इस पर वर्क कर रहा हूँ, और आप लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्क करते हुए। तो सिंपली बस ये है कि बस बेटर आउटपुट आ जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज आपको देखनी होगी, खुद समझनी होगी, खुद जज करनी होगी, ठीक है। इस वॉल पे मुझे ये लगना ठीक लगा। ये टेबल हो गई, टेबल काउंटर पर मैंने रिफ्लेक्शंस डाल रखा है, ठीक है। ये वाइट काउंटर है, और सन जो मुझे बहुत अजीब लग रहा था उसे मैंने ऑफ कर ही दिया है, ओके। और ठीक है, अब एक रेंडर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे वाइटनेस जो सीन में गायब है वो आ जाए, ठीक है। कैमरा सेलेक्ट करते हैं फिर से, वर्टिकल टिल्ट ठीक लगे जो, ओके, ये मच बेटर है। ओके, फ्लोरिंग में रिफ्लेक्शन नहीं आया है, ठीक है। तो फ्लोरिंग में हमने रिफ्लेक्शन जो यूज किया था वो फ्रिजनल था, तो इस वजह से वो अभी तक आया नहीं। हम फ्रिजनल की जगह एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन लेते हैं, ओके। एक रीजन बनाकर रेंडर करके देखेंगे छोटा सा कि उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, रिफ्लेक्शन देखते हैं, चेक करते हैं, ओके, रिफ्लेक्शन तो काफी दिखाई देने लगा है, लेकिन एक बार इसे फुल रेंडर करते हैं वापस से। ओके, सन को हटाने के बाद हमारे सीन में काफी डार्कनेस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। उस डार्कनेस को हटाने के लिए हमने इस पर मटेरियल लाइट दे ही रखा था, ठीक है। इफेक्ट शेडो भी ऑन थी, और इसे हमने हाइड भी किया था, पीछे हमने इन्वायरमेंट पर 150 भी दिया था। एक बार इसे हम चेक करना चाहेंगे कि यहाँ से लाइट एमिट हो भी रही है या नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से प्रॉपरली लाइट एमिट हो रही है। ओके, हाँ, यहाँ से लाइट एमिट नहीं हो रही, जबकि हमने इंटेंसिटी इसकी 150 कर दी है, ठीक है। तो इस केस में क्या रहता है, जैसे कि आपका ये सिंगल प्लेन है, तो हो सकता है इसके नॉर्मल्स आपके सेट ना हो, तो आप इस पर एक नॉर्मल मॉडिफायर डाल दीजिए, और फिर देखिए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। रेंडर, ये एरिया, यस, अब ये इल्यूमिनेट कर रहा है। अब हमने अनहाइड किया सब कुछ, हमारे ब्लाइंड्स, ओके, अब ब्लाइंड्स को इसने कंप्लीटली ब्लाइंड कर दिया है इसकी इंटेंसिटी ने, तो इसकी इंटेंसिटी हम वापस से 60 करेंगे, ठीक है। इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ हर बार आपको फेस करने को मिलेगी, कि पहले तो आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, देन आपको लगेगा अरे नहीं यार ये तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, देन आपको उसे वापस कम करना होगा, तो ये चीजें होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक फाइनल आउटपुट लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता, आउटपुट नहीं आ जाता। तो एक बार फिर से मैं इसे रेंडर करता हूँ, क्योंकि फाइनल आउटपुट अब थोड़ा सही आएगा, क्योंकि ये ब्लाइंड्स मैंने ट्रांसपेरेंट की है, तो मैं देख पा रहा हूँ। वैसे मैं लाइट कैश में भी कि ब्लाइंड्स अभी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि बाहर की इमेज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है,
उसे मैं थोड़ा सा और कम करूंगा, पर एक बार ओवरऑल आउटपुट आने देते हैं, देन हम और आगे वर्किंग करेंगे। ओके, मुझे इन ब्लाइंड से कोई दिक्कत नहीं, मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है इस ऑब्जेक्ट से, ये जो मैंने लगाया है ग्लॉसी लेकिन ब्लैक में, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसे मैं व्हाइट में ही प्लेस करूंगा। ठीक है, और दूसरी मुझे जो कमी लग रही है मेरी टेबल का बॉटम। ठीक है, टेबल का बॉटम पार्ट काफी फ्लिट हो गया है क्योंकि मैंने इसे स्मूथ किया था, तो काफी फ्लिट हो गया है, तो इस एरिया को मैं चाहूंगा फिर से शार्प करना, या फिर यहाँ पर मैं किसी तरीके का एक लाइट मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि नॉर्मल टेबल्स में कुछ टैक बन सकते हैं, बेसिकली कुछ क्रिएटिव सा। ठीक है, तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, लाइट मटेरियल मुझे यहाँ लगाना है, तो एक बॉक्स बनाता हूँ। ओके ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वर्टिसेस, स्नैप लगभग यहाँ, ये लगभग यहाँ, ये अंदर का ऑब्जेक्ट रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, ये ऑब्जेक्ट मेरा है लाइट मटेरियल, और यहाँ पर मैं एक नया लाइट मटेरियल दे देता हूँ ताकि मुझे इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए अलग से स्लॉट मिल जाए। ठीक है, ओके, कैमरा व्यू, ओके, विजन, यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज्यादा अच्छी लाइट आ रही है ये। हाँ, एकदम सफेद सा चकता सा आ रहा है, इसे हम एक ही करेंगे करीब, और कलर वॉर्मिश। रीजन फिर से छोटा, रेंडर। ठीक है, रेंडर करने की ये जो तरीके हैं यही तरीके आपको काम आएंगे, जैसे जैसे मैं बोल के बताता हूँ कि हाँ अब हम ये कर सकते हैं, अब ये हम कर सकते हैं, ये तरीके ही है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ आप कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली लाइट मटेरियल से मैं एक्सपेक्टेशन यहाँ कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस ये एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा, लाइट मटेरियल यहाँ सही वर्क नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ पर कुछ लाइटें ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हम चलते हैं वापस से, वी द लाइट, स्नैप ऑफ, यहाँ मैंने एक लाइट लगाई। ओके, पर्सपेक्टिव, ओके, टॉप व्यू, इतना एरिया इसका कवर होगा लाइट से जो इल्यूमिनेट करेगा। ठीक है, इंटेंसिटी 30 वाइट में, ओके, और अब यहाँ मुझे कुछ लाइटें लगानी है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा अच्छा आउटपुट दे, क्रिएट करें, एंगल स्नैप ऑन, 90 डिग्री स्विच। ठीक है, ओके, और सेम लाइट एक मैं यहाँ लगा देता हूँ। नहीं, यहाँ तो हमने स्पॉट लगा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लगा देता हूँ एक। ठीक है, आउटपुट के अकॉर्डिंग प्लानिंग में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, अगर आउटपुट अच्छा आ जाए तो प्लानिंग में हम थोड़े से माइनर चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन चाहिए आउटपुट, अगर आपका आउटपुट आ रहा है, क्लाइंट सेटिस्फाइड है, तब तो ठीक है, अगर आपको लगता है आपको दो एक्स्ट्रा स्कोप लाइट्स लगानी है तो आप लगाइए, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उसका आउटपुट अच्छा आना चाहिए, वो चीज अट्रैक्टिव और आई कैचिंग होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट जैसे ही एक बार देखे वो एक बार तो कह दे यार ये बढ़िया है, आप तो यही बना दो, परफेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ हमने लाइट ले ली, यहाँ ले ली, ओवरऑल अभी भी डलनेस आ रही है, तो हम हल्की सी इसमें गामा और इंक्रीज कर सकते हैं। हमने गामा 1.4 लिए, हम 2.2 ले सकते हैं। ओके, 2.2 गामा ले सकते हैं, ठीक है। एम्बेंट है, बाकी सारी सेटिंग्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक्स्ट्रा कोई सेटिंग्स यूज कर नहीं रहे। ओके, और इस पे रिफ्लेक्शन का देखते हैं, इस पे रिफ्लेक्शन का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मटेरियल स्लॉट एक बार ओपन करते हैं, हमने इन्वर्स किया था, और फ्रिजनल एक बार हम फ्रिजनल हटा के देखते हैं, स्लॉट पे देखे तो यहाँ यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर की जो दोनों लाइट हैं, इनकी इंटेंसिटी एक बार फिर से मैं बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि कोप लाइटें शानदार इल्यूमिनेट होनी चाहिए। 60 की जगह मैं इसे इस बार दुगनी करूंगा, 120 एंड 120। राइट ऑन, ओके, शिफ्ट जी, कंट्रोल एस, और इसे हम सेव होने के बाद रेंडर लगाते हैं, तब तक के लिए हम करेंगे इसे पॉज। ओके, कुछ चेंजेस हैं जो हम कर रहे हैं। शिव जी, इसकी इंटेंसिटी मुझे कम लग रही है, मैंने इसको दुगना किया, ऑब्वियसली ये भी मुझे बहुत कम लग रही है, तो ये एक साथ ही है, इंस्टेंस ही है। यस, इंस्टेंस है, ये चेंज हो गई। इनकी इंटेंसिटी मुझे कम लग रही है, पावर है इनका अभी 800, मैं इसे 16 कर देता हूँ, दुगनी इंटेंसिटी, ठीक है। नहीं, स्पॉट की दुगनी हो गई, इनकी दुगनी हो गई, ये ठीक है, ये मुझे ब्लैक लग रहा है ज़्यादा, तो इसे हम चेंज करते हैं ब्लैक की जगह, हल्का सा ग्रे शेड में जाते हैं, ताकि इसके फ्लैप्स दिखाई दें, रिफ्लेक्शन है ही, कोई दिक्कत नहीं। और फ्लोरिंग वुडन ठीक नहीं लग रही, हम डालते हैं फ्लोरिंग में कोई इटालियन, वाइट इटालियन डालते हैं, तो गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं वाइट इटालियन मार्बल या फिर टाइल, कुछ भी आप देखिए, ये ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। ओपन, सेव इमेज, छोटी इमेज है, अगर हम चाहे तो इसे लार्ज इमेजेस में सर्च कर सकते हैं, टूल साइज लार्ज, वही ठीक है, उसकी टाइलिंग दे देंगे, और ठीक है, ये हमने ले ली, हमारी टाइलिंग चेंज, फ्लोरिंग चेंज, विद इन अ क्लिक, विद इन अ सिंगल क्लिक हमारी फ्लोरिंग चेंज हो गई। शिफ्ट जी, इसे पकड़ते हैं, एंटर, अरे का सा इसे स्केल करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। ये सिर्फ इंटेंसिटी से इफेक्ट हो, इसका स्पेकुलर और रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना ना हो। ओके, कंट्रोल डी, और किस तरीके के चेंजेस हमें चाहिए, ठीक है। बाहर का मुझे अब दिखना बंद हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पहले तो अच्छे से दिख ही रहा था, कुछ गड़बड़ हुई मटेरियल को लेकर, इंटेंसिटी ठीक है। हाइड, इसे देखते हैं, ये 60 हो गया है। ओके, ये इंटेंसिटी कहीं से रिफ्लेक्ट की है, क्या पता, कर 160 की जगह मैं इसे 120 कर देता हूँ दुगना। हाइड ऑन, ओके, रीजन इतना सा रेंडर करेंगे, ज्यादा नहीं, और फिर फ्लोर रेंडर करेंगे, और जिन जिन चीजों को हमने करेक्ट किया है बस उन्हीं चीजों को हम रेंडर करेंगे वापस है। ताकि बार बार पूरा रेंडर करने की नीड ना रहे, ठीक है। मटेरियल में शायद ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए मुझे,
पकड़ा हमने, मटेरियल में ट्रांसपेरेंसी हमें बढ़ानी चाहिए आई थिंक। ओके अगेन रेंडर। ओके अब ठीक लग रहा है हमें, ब्लाइंड्स भी दिखाई दे रही है, पीछे का थोड़ा सा आउटपुट भी दिखाई दे रहा है बाहर का, और इसे हम फ्लोर पे लगा देते हैं। फ्लोर देख लेते हैं किस तरीके से रेंडर आ रहा है, अब ठीक आ रहा है या नहीं। ओके रेंडर लास्ट कुछ खास नहीं आया था, लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये विंडो से लाइट सोर्स एक आना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक लाइट लगाया है 10 की इंटेंसिटी के साथ, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा कलर शेड यूज किया है क्योंकि अभी काफी लीनियर एंड फ्लैट सा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ मैंने उस टाइप के मतलब थोड़ा सा कुछ अच्छा आउटपुट आए, अलग से कलर्स निकल के आए, तो इसलिए मैंने वो लगाया। और ये जो ऊपर कोप लाइट लग रही है मेरे को प्रोफाइल लाइट, इसको भी मैं वार्मिश करना चाहूंगा क्योंकि ये एकदम वाइट अजीब सा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी मैं एक लाइट सोर्स क्रिएट करना चाहूंगा, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास एक लैम्प है ही है जो कि लग सकता है यहाँ, तो क्रिएट करेंगे हम एक लाइट, स्पेयर लाइट। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्पेयर लाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा लाइट टोन चेंज करें, थोड़ी सी मतलब लीनियरनेस, थोड़ी मतलब फ्लैट आउटपुट आ रहा है जो फ्लैट मुझे नहीं चाहिए बेसिकली। आई डोंट लाइक फ्लैट आउटपुट, फ्लैट रेंडर हो चाहे कुछ और हो, फ्लैट तो देखिए बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं। ओके ये भी लिया। ठीक है, एक बीच में शैंडलियर भी लगाना था हमें, हमारे पास था भी शैंडलियर, पता नहीं हमने क्यों नहीं लगाया। हम इसे लगाते हैं, इस वजह से हमारे रेंडर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ही दिखाई दे रही है। एलिमेंट्स जब तक पूरे नहीं लगेंगे आपके फाइल में, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी दिखेगी और आपको आपका आउटपुट खलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये शैंडलियर कैमरे में आना चाहिए, तभी मजा है उसका। ओके अब एक बार इसे रेंडर करते हैं, इसे मैं रेंडर करता हूँ और हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। ठीक है, रेंडर और रेंडर आउटपुट इसका क्या आ रहा है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिखेगा। ठीक है, वैसे आप चाहे तो ये छोटा सा इफेक्ट देख सकते हैं लगभग किस तरीके का आने वाला है। शैंडलियर है, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ ये एक चीज क्या है मॉडल में, ओके ये टाइल ही थी, और ये बुक्स ब्लैक बहुत अजीब सी आ रही है, इन बुक्स को मुझे चेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बाकी ये ठीक है, ओवरऑल ठीक आ रहा है। वार्मिश यहाँ की मेरे को इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ानी है, जो मैंने पीछे वार्म लाइट लगाई है। पर्सपेक्टिव ओके, नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं इससे आगे, इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।